हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ आवर सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऑल्सो वी विल सॉल्व वन एग्जाम्पल टू गेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोच टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सीखेंगे इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो इस टॉपिक को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन कॉन्सेप्ट को हम 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, लेकिन अभी फिर से उसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए हम वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और रिविज़न अच्छे से हो। तो गाइस, चैप्टर के इस पार्ट में हम ऐसे इक्वेशन सीखने वाले जो कि लीनियर नहीं है, लेकिन उन्हें लीनियर इक्वेशंस में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस और नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे पहचाना जाता है वो हम सीखने वाले हैं यूजिंग दीज एग्जांपल्स। तो आइए उन्हें कैसे पहचाना जाता है वो सीखते हैं। अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, तो उन एग्जांपल्स में हम नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और वो लीनियर है या नॉन लीनियर है वो हम सीखने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है, 3x - 4y = 8। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, तो हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 लिख दिया। तो गाइस देखिए, अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे, ये नॉन लीनियर क्यों आया है। देखिए ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 3y - 4x = 8, और ये एक्स वाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स वाई, तो ये क्या बन गया, 8xy + 4x - 3y = 0। अभी देखिए, जब हम डिग्री कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर की हम एडिशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, x और y, इनकी पावर क्या है, 1 और 1, तो ये 1 और 1 का एडिशन होकर क्या बन जाएगा, 2। मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 2। तो इसलिए ये इक्वेशन क्या बन गया, नॉन लीनियर इक्वेशन बन गया। तो बस यही कंसेप्ट यूज़ करके हमें इन इक्वेशन को अब पहचानना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। उससे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखिए यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं, ये एक्स है और ये वाई है, मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 है। अभी हमें चेक करना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखिए 6x - y + 3y - 2 = 0। देखिए अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y - 2 + 3x - 1 / x - y, और ये y - 2 = 0। अभी ये डिनोमिनेटर उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, मतलब ये 0 बन जाएगा, और ये वैसा ही रहेगा। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x - 3 + 6y - 12। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 6y = 15। ये क्या होगा, इसकी डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी। कैसे, x का पावर क्या है, 1 है, y का पावर क्या है, 1 है, तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर है इसकी क्या है, 1 है। मतलब इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। मतलब ये मतलब क्या हुआ इसका, कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और उसे चेक करेंगे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स क्या है, एक्स और वाई, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 है। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा, 7 × y + 2, और ये प्लस साइन, 13 × 2x + y। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 2x + y, 2x + 1, और ये y + 2 = 0।
अब ये जीरो से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी डिग्री क्या आएगी, वन आएगी। देखिए अभी हम इसके ब्रैकेट्स ओपन करके इसे सॉल्व करेंगे, 7y प्लस 14 प्लस 13 टू द 26x प्लस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आएगा, 26x प्लस 7y इज इक्वल टू 14 प्लस 13 कितना आएगा, माइनस 27। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन गया है, लीनियर इक्वेशन बन गया है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, वन है। देखिए इसकी डिग्री वन है, इसलिए ये इक्वेशन क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। अभी देखिए यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, दो है, एक्स और ये वाई, ये दो वेरिएबल्स हैं। अभी देखिए इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 14x माइनस 14y और ये क्या आएगा, प्लस 3x प्लस 3y अपॉन ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या x प्लस और x माइनस है, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5। मतलब अगर हमने इसे आगे सॉल्व किया तो इसकी डिग्री क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्वेशन नॉन लीनियर है, क्योंकि इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा नॉन लीनियर इक्वेशन। तो आशा करता हूँ ये कंसेप्ट आपकी समझ में आएगी कि लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे पहचाना जाता है। हमें जो आगे बढ़ना है, क्या इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो यहाँ पे जो इक्वेशंस है ये किन इक्वेशंस की बात हो रही है, नॉन लीनियर इक्वेशंस की। तो इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को हम रिड्यूस करेंगे किस में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं उसकी प्रोसेस हम अभी सीखेंगे। तो गाइज हमने अभी सीखा कि लीनियर इक्वेशंस और नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे पहचाना जाता है, उनके कंसेप्ट क्या है, ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए हमारे टॉपिक क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब इक्वेशन रिड्यूसेबल मतलब ये कैसे, कौन से इक्वेशन है, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशंस है। तो उन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में हम कन्वर्ट करना है, ताकि तो उन नॉन लीनियर इक्वेशंस को हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर उन्हें सॉल्व करके हमें वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना है। तो उसका प्रोसेस हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे। गाइस ये क्वेश्चन वन है फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। तो इस इक्वेशन से हम इस टॉपिक को सीखेंगे। देखिए अभी मैं इस इक्वेशन को अभी इस तरह से लिख लेता हूँ, 2 अपॉन 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 15 और ये क्या है, 8 इंटू 1 अपॉन x प्लस 5 इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 77। ये क्या हुआ, इस इक्वेशन को इस तरह से लिख लिया। ये जो दोनों इक्वेशंस है ये क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशंस है। तो अभी इन नॉन लीनियर इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों इस इक्वेशन में कॉमन है, ये दोनों वेरिएबल इस इक्वेशन में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स की वजह से ये क्या हो रहा है, नॉन लीनियर हो रहा है। तो अभी इन दोनों वेरिएबल्स को ही दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे, कैसे, पुट 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n। अभी देखिए ये दोनों वेरिएबल्स की वजह से ये दोनों इक्वेशंस क्या हो रहे थे, नॉन लीनियर हो रहे थे। तो हमने क्या किया, इन दोनों वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, क्या, m और n से। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस किस तरह से लिखेंगे हम, अभी 1 अपॉन x क्या हो गया, m, तो ये क्या बन जाएगा, 2m प्लस 2m माइनस 3, 1 अपॉन y क्या बन गया, 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, तो ये बन गया n इज इक्वल टू ये 15 वैसे के वैसा।
एट ए वन अपन एक्स क्या है एन, और ए वन अपन वाई क्या है एन, तो ये क्या बन गया एट एम प्लस फाइव एन। देखिए एट एम प्लस फाइव एन इज इक्वल टू 77। आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों वेरिएबल्स को क्यों रिप्लेस किया है, क्यों? क्योंकि इन दोनों वेरिएबल्स की वजह से हमारा ये जो दोनों इक्वेशंस है वो नॉन लीनियर हो रहा था, और हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं वही पता है। तो यहाँ पे जो नॉन लीनियर पार्ट है उसे न्यू वेरिएबल से रिप्लेस किया, ताकि ये जो हमारे इक्वेशन है वो क्या बन जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए। फिर हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है चार मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रैमर्स। तो इन चारों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके ये दोनों इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो अभी देखिए इसे मैं क्या कहूँगा इक्वेशन थ्री, और इसे क्या बोलूँगा मैं इक्वेशन फोर। तो आप कौन से भी चार में से एक मेथड यूज़ करके इस m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा। देखिए ये क्या बन जाएगा अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 टू ज़ा 8m, और ये क्या है 4 थ्री ज़ा माइनस 12m, और ये क्या बन जाएगा 15 फोर ज़ा 60। अभी इसका सब्सट्रैक्शन किया तो क्या है साइन चेंज हो जाएगा, ये m कैंसिल, और ये 12 प्लस 5 17n, और ये क्या बन जाएगा 17। तो n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, तो n की वैल्यू क्या है 1, n इज इक्वल टू 1। अभी ये n इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये वाले इक्वेशन इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 इक्वेशन 3, तो क्या बन जाएगा 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15, तो ये क्या बन जाएगा 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18, m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, तो m इज इक्वल टू 9। तो ये हुई m और n की वैल्यू। तो अभी हमें पता है कि m की वैल्यू क्या है, अभी हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू क्या है 9, एंड 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई क्या है इज इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, तो एक्स क्या है हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 9, ये आ गई एक्स की वैल्यू, और यहाँ से वाई इज इक्वल टू 1। अभी मैं फिर से एक बार प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी ये दो इक्वेशंस मैंने कहाँ से लिए, प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अभी देखिए मैंने ये दो इक्वेशंस को इस तरह से लिख लिया, मतलब इसमें जो नॉन लीनियर पोर्शन है उसे सेपरेट फॉर्म में लिख लिया ताकि ये हमें कॉमन दिख सके ये दोनों इक्वेशन में। इस तरह से हमने ये वेरिएबल्स को लिख लिया। अभी देखिए इन वेरिएबल्स की वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो इक्वेशन है ये नॉन लीनियर हो रहा था, हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ही मेथड्स है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो नॉन लीनियर पार्ट है तो उससे हमने क्या किया न्यू वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। देखिए 1 अपॉन एक्स को m से रिप्लेस किया, 1 अपॉन वाई को n से रिप्लेस किया, तो उससे क्या हुआ हमें न्यू इक्वेशंस मिल गए 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, और ये क्या 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। ये वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया और हमें ये इक्वेशंस मिल गए विथ न्यू वेरिएबल्स। तो ये जो न्यू इक्वेशंस है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस है। तो अभी हमें लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं हमें पता है, उसके लिए चार मेथड्स है, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल और क्रैमर्स रूल। तो इनमें से आप चारों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ये m और n की वैल्यू हमने जो वेरिएबल्स एज्यूम किए थे उन इक्वेशंस में सब्सटीट्यूट करके हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है कौन से x और y उनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर वैसे क्या है, ये
ये जो न्यू वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट करिए। अभी m की वैल्यू क्या है, n है, m की वैल्यू क्या है, 9 है, तो वो 9 हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला, 1/x = 9। फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/9। उसी तरह से हमने ये n की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल गई, क्या मिली, y = x। तो इस तरह से हम इक्वेशन को रिड्यूस करके उसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और यूजिंग हमारे जो चार मेथड्स हैं उनमें से कोई भी एक यूज़ करके हम इसे सॉल्व करते हैं। फिर वापस जो न्यू वेरिएबल्स की वैल्यू है उसे पुराने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते। यहाँ पर देखिए जिस स्टेप में हम एज्यूम करते हैं वहाँ पर वो वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमारे जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच किया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह मेथड समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। और अगर आपको पसंद आया ये एक्सप्लेनेशन तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।